अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फ़ातिमा अली और आज मैं जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वही क्लिनिकल मेथड, जिसे हम थेरेपी मेथड भी कहते हैं या फिर हम उसे केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। और आज हम तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट थिंग है क्लिनिकल मेथड को, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन हम उसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे। इन तीनों चीज़ों को समझ के हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को फिर लास्ट में समराइज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बेसिकली क्लिनिकल मेथड है क्या? क्लिनिकल मेथड ऐसा मेथड है जिसे टीचर्स भी यूज़ करते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली मेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज अ टीचर मैं इसकी एक एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि एक स्टूडेंट है और वो क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा है, उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं बन पा रहे, या फिर वो कंटिन्यूसली अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्स्टेंटली जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम सबसे पहले उसके जो मसाइल हैं, जो मसला उसके साथ दरपेश है, हम उसको फोकस करेंगे कि आखिर इसके साथ मसला क्या है, फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। अच्छा, इसको हमें डायग्नोस करने के लिए तीन फैक्ट्स को कोई भी साइकोलॉजिस्ट या फिर टीचर तीन फैक्ट्स को जो है ना वो कंसीडर करता है। वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं? सबसे पहले हम उसकी पास्ट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, उसकी पास्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका ताल्लुकात कैसे हैं लोगों के साथ, उसके ताल्लुकात कैसे हैं, क्या ये उसकी हेरिडिटी में तो मसला नहीं है, या उसकी मदर किसी ट्रॉमा में तो नहीं थी, या फिर क्या ट्रॉमा उसके साथ तो नहीं है, इसकी पास्ट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अब उसके सोशल लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, उसकी फैमिली के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, क्या कोई बंदा उसके ऊपर प्रेशराइज़ तो नहीं कर रहा जो वो डिप्रेशन के अंदर जा रहा है। और उसके बाद हम इसकी तीसरी चीज़ को देखेंगे कि उसके प्रेजेंट में आजकल क्या चल रहा है, कि उसकी डेली रूटीन क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, किसी चीज़ का प्रेशर तो उसके ऊपर नहीं है। इन तीनों चीज़ों को कोई भी साइकोलॉजिस्ट या फिर टीचर इन तीनों चीज़ों को डेटा कलेक्ट करता है, इन तीनों चीज़ों का, उसके बाद फिर इसकी पूरी हिस्ट्री तैयार करता है, और फिर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ हम किस तरह से आते हैं? हम पूरा डेटा तैयार करते हैं, उस स्टूडेंट्स के साथ या फिर जो भी पेशेंट है या क्लाइंट है उसके साथ डिस्कस करते हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ आ जाते हैं। इसके एडवांटेजेस में क्या क्या आते हैं कि क्योंकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, तो इसके एडवांटेजेस में ये आएगा कि हम इसमें पूरे पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री को कलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसके डिसएडवांटेजेस में ये चीज़ें आएंगी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। समटाइम्स हम अगर जब अपने स्टूडेंट के साथ या फिर हम अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं, या इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। इसके अंदर कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं? ये एक इंटेंसिव मेथड इसके अंदर यूज़ होता है, सब्जेक्टिव मेथड इसके अंदर यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल हमें उस पर्सन के ऊपर काम करना पड़ता है, उसकी मतलब कि उसकी डिलीवरी के टाइम से लेके और अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसने क्या क्या किया है, इस पूरी हिस्ट्री के ऊपर हमें काम करना पड़ता है, पूरा डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ता है। एंड देन हम इसकी थेरेपी को स्टार्ट करते हैं। अब इसकी थेरेपी को हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं? हम उस पर्सन से या उस स्टूडेंट से हम बैठ के डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसे बताते हैं कि आपने ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, ये आपके साथ पहले हो चुका है, अब आपने इस चीज़ को इस तरह से कवर करना है। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उसे अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उसके साथ जब हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, अगर वो किसी ट्रॉमा के अंदर, किसी डिप्रेशन के अंदर है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। तो हमने इसकी कॉन्सेप्ट को समझा, हमने इस एज अ टीचर इसको किस तरह से यूज़ करते हैं इसको समझा, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।